हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया के मैप पर हड़प्पा के प्राक हड़प्पा चरण के कुछ स्थल देखे थे प्रमुख, और उत्तर हड़प्पा के भी देख लिए थे। आज हम हड़प्पा सभ्यता का जो मेन फेज है उसके प्रमुख स्थलों को मैप पर मार्क करेंगे, और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो हम ऑन बोर्ड जो है सामने आकर के आपको हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के विषय में डिटेल में पढ़ाएंगे। और हम इसी वीडियो में हड़प्पा के प्रमुख स्थल देखेंगे, और ख़ास करके इसमें हम हड़प्पा के सात नगरों के विषय में भी जानेंगे। सात प्रमुख नगर हड़प्पा के कौन से थे, तो चलिए सबसे पहले तो हम हड़प्पा के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम इंडिया के मैप को यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले इसी तरह से आप जो है अपने नोट्स में बना लीजिए, आपको स्थलों का परिचय होना ज़रूरी है, तभी आप जो है आगे इस क्लास को अच्छे से समझ सकेंगे। इसीलिए मैं पहले आपको मैप पर स्थलों का परिचय करवा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका भारत, और चूँकि हम हड़प्पा सभ्यता के स्थल की बात करने वाले हैं तो साथ में ही हम पाकिस्तान को भी यहाँ पे ड्रा कर लेंगे और अफ़गानिस्तान को भी यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। आइए अब हम प्रमुख स्थलों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल बात कर रहे हैं, तो हम पहले अफ़गानिस्तान में ही बात करेंगे। अफ़गानिस्तान, हमने अफ़गानिस्तान में आपको जो पिछले क्लास में स्थल बताए थे वो प्राक हड़प्पा फेज के थे। यहाँ पे हम विकसित हड़प्पा फेज के स्थल बताएंगे, और इसमें आपको दो स्थल याद रखने हैं जो प्रमुख रूप से। एक है सुरतगुई, एक स्थल का नाम है सुरतगुई, और दूसरा आपको याद रखना है मुंडीगाक। देखिए मुंडीगाक स्थल हमने पिछली बार भी आपको बताया था, तो वही स्थल है जो आगे डेवलप फेज में भी कंटिन्यू है। ये हो गया, तो आपको सिर्फ दो स्थलों के नाम याद रखने हैं अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में स्थल देखे गए हैं, तो यहाँ पर हम पाकिस्तान के सबसे पहले पंजाब प्रांत की बात करेंगे। तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत और दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में हम स्थलों को देखते हैं, तो हम एक ही जगह पर इनको मार्क कर लेंगे। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में देखिए यहाँ पे सुतका गिंडोर है, और दक्षिणी बलूचिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए हम इसको अलग अलग स्टेट वाइज आपको बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं पंजाब के, ये है पंजाब पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, एक ही दिशा में इसको रखेंगे अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान, और पाकिस्तान का हम पहला प्रांत कौन सा ले रहे हैं, पंजाब, पंजाब यहाँ। तो इस जगह पर पंजाब में कौन कौन से साइट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको हड़प्पा, हड़प्पा, और आपको देखने को मिल जाता है जलीलपुर, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, एक साइट है डेरा इस्माइल खान, और रहमान डेरी, रहमान डेरी। तो पंजाब प्रांत में ये जो है मुख्य साइट्स आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा प्रांत जो हम देखते हैं यहीं पे सिंध, तो सिंध प्रांत में देख लेते हैं। सिंध, सिंध में जैसे यहाँ पर हमने आपको हड़प्पा बताया, हड़प्पा एक मुख्य नगर था, उसी प्रकार से सिंध क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा साइट जो है वो हमने आपको प्री हड़प्पन फेज वाले में भी बताई थी, और यहाँ विकसित चरण में भी हड़प्पा आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ों के दोनों समय के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, और इसके बाद आपको कोट दीजी, कोट दीजी सिंध में है, यहीं पे जो है यहाँ पे जाट, यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो है, फिर उसके बाद कोट दीजी है, उसके बाद चन्हूदड़ो है, उसके बाद आमरी है, लाइन से इसी तरह हैं मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, फिर आपको देखने को मिलता है चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, और फिर आमरी। तो ये चार साइट आपको सिंध प्रांत की याद रखनी है। उसके बाद बलूचिस्तान,
दक्षिणी बलूचिस्तान में साइटें हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में जो साइट्स आपको देखने को मिलती हैं उसमें यहाँ पे सुतका गेंडोर, फिर उसके बाद में सोतका कोह, सोतका कोह के बाद में बालाकोट और फिर डाबरकोट, इस तरह से लाइन से आपको देखने को मिलती हैं साइट्स। तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर के विषय में पहले भी आप एक फैक्ट जानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर है सबसे लास्ट में, तो सुतका गेंडोर। और उसके बाद आपको सोतका कोह, सोतका कोह, और फिर आपको एक जानना है बालाकोट, बालाकोट और डाबरकोट, चार आपको याद रखने, हर प्रांत में चार चार डाबरकोट। ये हमने डॉट्स आपको लगाए हैं लाइन से, यही हैं। तो ये जो मैं बड़ा एक डॉट लगा रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम में सुतका गेंडोर है। आइए अब हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में आपको कौन कौन से साइट्स जानने हैं। तो ये तो दो फॉरेन में हो गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। तो इंडिया में सबसे, चलिए ऊपर से शुरू करते हैं हम, जम्मू और कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि एक ही साइट आपको याद रखनी है, मांडा। और मांडा आपको पता है कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। जब हम सभ्यता के विस्तार की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, वो है मांडा। और इसके बाद चलिए हम एक तरफ से ही ऊपर से, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे पंजाब स्टेट में देख लेते हैं, पंजाब में, पंजाब, पंजाब में जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसमें आपको याद रखना है रोपड़, रोपड़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, चक है, चक 86 इसको बोलते हैं, चक। और एक आपको जाननी है बाड़ा, बाड़ा। और चौथी साइट्स आपकी जो है कोटला निहंग, कोटला निहंग। देखिए ये सब नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, ये मैच करने के लिए आपको दिया जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी साइट है जो हड़प्पा सभ्यता की है, और इसमें कौन से प्रमुख नगर हैं उसको भी हम अलग से आपको बताएंगे कि इसमें नगर कौन से थे, जो बड़े बड़े सात नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको अलग से फिगर आउट करना है आपको मैप पे। तो पंजाब में आपने ये देखा, और इसके बाद हरियाणा, हरियाणा में वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हरियाणा। और हरियाणा में जो आपको जानना है उसमें आपको एक ही जाननी है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, और बनावली या बनवाली, बनावली, कुणाल, बालू, मित्ताथल, मित्ताथल, और सिसवल। देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत से नाम हैं, सिर्फ आपको बार बार पढ़ना है और धीरे धीरे आपको ये सब याद हो जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा आपको फिट करना है। इसके बाद देखिए यहीं पे हम उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण साइट है जो इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, और वो है आलमगीरपुर साइट, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ ज़िले में है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेरठ। और एक साइट, दो साइट आपकी सहारनपुर में है, एक है बड़गांव, बड़गांव, और एक साइट है आपकी हुसाल, हुसाल, और ये दोनों सहारनपुर में हैं, सहारनपुर ज़िला। और इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंट साइट हैं जो आपकी सनौली और मांडी, सनौली और मांडी। देखिए मांडी यूपी में है और मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट आपको भ्रमित कर सकता है मांडी और मांडा नाम। तो मांडी आप याद रखिएगा यूपी में है, और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में था। तो इस तरह से आप यूपी की ये साइट्स हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट साइट आपकी आ जाती है जो राजस्थान में, राजस्थान, और राजस्थान में आपको कालीबंगन साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
सरस्वती नदी के किनारे, जिसको सरस्वती सिंधु सभ्यता का सेंटर पॉइंट भी माना गया। तो यहाँ पर आपको कालीबंगा या कालीबंगन और एक बालाथल साइट भी है, वो भी आप याद रखें, बालाथल। तो कालीबंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो आपकी गुजरात में खोजी गई। अब गुजरात में दो क्षेत्र हैं, एक तो आप ये यहाँ पर देखते हो जो कच्छ की खाड़ी और कच्छ के रण का क्षेत्र है, और ये कि खंभात के खाड़ी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे अलग अलग साइट्स हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग मार्क करेंगे। सबसे पहले जो हम मार्क कर रहे हैं वो हम गुजरात को, कच्छ के क्षेत्र वाला गुजरात, और कौन सा कच्छ, कच्छ की खाड़ी वाला। तो यहाँ पर जो साइट हैं उसमें आपको तीन नाम याद रखने हैं। एक तो आपको सुरकोतड़ा आपको याद रखना है, सुरकोतड़ा और धौलावीरा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। और एक आपको याद रखना है देसलपुर, देसलपुर। तो ये जो है तीन साइट आपके गुजरात कच्छ में हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए गुजरात, ये भी गुजरात के ही साइट हैं। गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए, ये खंभात की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं गुजरात के तट में आपको लोथल, लोथल जहाँ से गोद जो है आपका पोर्ट मिला है, लोथल है, रंगपुर, रंगपुर, भगत राव, कुंतासी, मालवन, रोजदी, प्रभास पाटन। ये आपके नोट्स में सभी नाम होने चाहिए, आप बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी पूछे गए हैं। गुजरात में सर्वाधिक स्थल हैं, आप नोट कर लीजिएगा, गुजरात में सर्वाधिक स्थल हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए। और फिर आप एक लास्ट लिख लीजिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है और वो स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद ये दक्षिणी बिंदु है। तो इस तरीके से दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी सभी बिंदु हमने आपको बताए थे। कौन कौन से हमने बताए थे, अगर आप यहाँ मैप पे छोटा सा बनाना चाहें तो हमने आपको पहले बताया था कि सबसे उत्तर में है मांडा, ये तो बताया था मांडा। दक्षिण में हमने आपको दायमाबाद बताया, दायमाबाद महाराष्ट्र की साइट। और पूरब में हमने आलमगीरपुर बताया था, आलमगीरपुर यूपी की। और पश्चिम में सुतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान की। तो ये चारों दिशाओं के पॉइंट हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण विस्तार जो इसका है वो कितना है, तो इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर देखा जाए कितनी जगह में, कितने लंबाई में फैली हुई है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो इसका है वो 1400 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब से पश्चिम देखें, पूरब से पश्चिम विस्तार, तो ये जो है 1600 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल के विषय में हम आपको बता ही चुके थे कि वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई मानी जा रही है, जबकि इसका जो शुरुआत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में माना जाए, वो अब भी माना जाता है, लेकिन अब नए स्थल जो खोजे गए उसके हिसाब से लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई। अभी क्लास इंड नहीं है, देखिए ये हमने इम्पोर्टेंट स्थल बताए, लेकिन ये सब के विषय में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये स्थल सिर्फ आपको जानकारी के लिए हैं। लेकिन इसमें से 7 ऐसे स्थान हैं, कितने हैं 7, वो 7 हैं नगर, बड़े बड़े नगर थे हड़प्पा सभ्यता के। तो उन 7 नगरों के विषय में आपको वेरी डिटेल में पढ़ना है, यानी वहाँ की सब कुछ आपको पढ़ना है, वहाँ के नगर, वहाँ की जो चीज़ें पाई गई। और बाकी जो स्थल हमने इस क्लास में आपको दिखाए हैं उनसे केवल एक एक पॉइंट जो पूछा जाता है, कि जैसे कोई स्पेशल चीज़ कहीं से मिल गई तो वो पूछा जाता है,
मैच करने को दिया जा सकता है, तो उसको हम पढ़ लेंगे अलग से। बाकी 7 नगरों के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हड़प्पा सभ्यता के जो 7 नगर हैं उनको पहले हम यहाँ पर दर्ज करें। हेडिंग डालिए हड़प्पा सभ्यता के 7 नगर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। प्रमुख नगर कितने हैं? तो वो 7 हैं संख्या में। उन 7ों को हम यहाँ पर देखेंगे। आइए फिर से हम वही जो अपना तरीका है इंडिया का मैप बना लेते हैं। इंडिया के मैप पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इन सभी नगरों को, ठीक है। और यहाँ पे हम पाकिस्तान को भी दर्ज कर देते हैं और अफ़गानिस्तान को। जब भी आप सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे तो आप इन तीनों कंट्रीज़ को बनाते हुए चलेंगे। तो आशा है आपको, मैं इंडिया लिख देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान का पी लिख देता हूँ, अफ़गानिस्तान का ए लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम 7 नगर देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 7 नगर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए 7 नगर जो हैं उसमें एक नगर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा तो सबसे पहले खोजा गया था, तो मैं सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूँ। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा है, और ये दोनों जुड़वा राजधानी मानी जाती थी मोहनजोदड़ो। जब हम डिटेल में इन 7 के साइट्स के विषय में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो हमारी फेस वाली क्लास होगी, जिसमें हम आपको एक एक साइट के हर एक उस पहलू से अवगत कराएंगे जो आपके परीक्षा में आ सकता है। फिलहाल आप केवल इसके नाम याद कीजिए और कहाँ पर है साइट, इन पर ध्यान दीजिए। जो तीसरा हम देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ये तीनों हमने सबसे पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि ये 3 जो प्रमुख नगर हैं ये आपके पाकिस्तान में हैं। देखिए हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो है पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में है, सिंध पाकिस्तान। चन्हुदड़ो भी सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में। तो इसीलिए हमने ये पहले आपको 3 बता दिए। इसके बाद 4th से बाकी जो 4 नगर हैं वो इंडिया में हैं। तो चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं लोथल। लोथल आपको पता है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और 5वां नगर जो है वो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा, और ये भी गुजरात में है। और 6 नंबर पे जो हम नगर पढ़ेंगे वो है कालीबंगा, कालीबंगा, और ये कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। और जो 7th नंबर पे यानी 7वां हम नगर पढ़ने वाले हैं वो है बनावली। बनावली कहाँ है? ये आपका हरियाणा में है। तो ये 7 जो हमने साइट्स आपको इम्पॉर्टेंट बताई हैं, ये 7 के विषय में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास इसी पर होगी कि 7 नगरों के विशेष जो पूरे नगर परिचय हैं वो हम बताएंगे। आइए हम इसको मैप पे देख लेते हैं। तो हमने पहला आपको हड़प्पा लिखवाया, तो हड़प्पा आपका यहाँ पे है पंजाब प्रांत में, ये हो गया आपका हड़प्पा, हड़प्पा। फिर हमने मोहनजोदड़ो लिखवाया, तो ये है सिंध प्रांत में, ये सिंध प्रांत में, ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। फिर तीसरा हमने चन्हुदड़ो लिखवाया, वो भी आपका सिंध प्रांत में है, तो ये आपकी साइट हो गई चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से महिलाओं के लिए प्रसाधन की सामग्री सब मिली है यहाँ से, लिपस्टिक पाउडर वगैरह, कंघा वगैरह सब मिला है, तो ये चन्हुदड़ो हो गया। फिर लोथल गुजरात, तो हमने अभी आपको बताया था कि लोथल जो साइट है वो कहाँ है? लोथल आपका खंभात की खाड़ी में है, तो ये खंभात की खाड़ी में साइट है आपकी यहाँ पे लोथल, ये हो गया आपका लोथल। और धौलावीरा आपका कच्छ में है, तो ये हो गई आपकी साइट धौलावीरा। फिर कालीबंगन, तो कालीबंगन आपका यहाँ पे है राजस्थान में, ये हो गया आपका कालीबंगन। कालीबंगन भी लिखा जाता है, कालीबंगा भी लिखा जाता है, कालीबंगा। और हरियाणा में आपका हो गया बनावली, बनावली। तो ये हमारे हो गए आपके 7 नगर, 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7। 7 नगरों के विषय में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं कि अलग अलग जगह पर क्या खास चीज़ें हैं, क्या विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में आपको जानने की ज़रूरत है।
और बाकी इसके अलावा जितनी भी साइट्स हैं, देखिए बहुत सारी साइट्स जो हैं उत्खनित की गई हैं, तो हम सब कुछ तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना आपको इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना जानना ज़रूरी है। तो इतनी साइट्स जो हमने लिखी हैं ये हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये 7 साइट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। इन पे आपको पूरी डिटेल क्लास हम आपको कल की क्लास में देंगे, जो हमारी फेस वाली क्लास होगी, यानी सामने आकर के हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको इन 7 नगरों के विषय में, जिसमें हम पूरा नगर का स्ट्रक्चर हर एक जगह पे कहाँ पे क्या मिला है वो बताएंगे। और बाकी उसके बाद एक हम छोटी सी क्लास करेंगे जिसमें मुख्य मुख्य और जो साइट्स बचती हैं वहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या मिला है, 1-2 पॉइंट बस, ज़्यादा नहीं, उनको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।